कि एक बार आप पांचोड़ी थाने पर जाकर वहां भी पथराव करके आ गए थे, याद है आप लोगों को? ज्यादा जोश में आएगा। पर मैं फोन करियो, मैं कि बेटे का पापा रुको तो सही, कहीं काम करो, मैं तो आ रही हूँ। बिचे बाटा पहन जाए क्या माऊ रही जो ने जोश गणो आई। विधायक आपका है, विधायक ताकतवर है। उसके टेलीफोन के आगे कोई मंत्री और मुख्यमंत्री हो उनको काम करना पड़ेगा। वो मैं जानता हूँ काम करना, मेरे पे छोड़ दो सारी बातें। काम करने का प्रयास कर, उसी का परिणाम कि सड़कों का जाल में बिछा, कॉलेजें खुली। मेरी इच्छा है कि एक दो कॉलेज और हमारी गुड़ा भगवान दास से लेके करणु तक की जो बीच की सड़क है, इसमें दो कॉलेज कम से कम और हो, ताकि हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए हमारी बेटियों को दूर नहीं जाना पड़े, सब बच्चे पढ़ लिख ले। ये मैं प्रयास करूंगा इस साल के अंदर कि कितना मैं कर सकता हूँ। आप जानते हैं सरकार मेरे खिलाफ की है, कांग्रेस भी और बीजेपी दोनों छोटे दल को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे। तो आपकी कृपा रही, वोट हमने पिछली बार से ज्यादा लिए, लेकिन फिर भी तीन की सीट एक हो गई। मैं एक आपके लिए बहुत हूँ लड़ने के लिए, लाखों लोग आ मेरे साथ। तो जहाँ भी अगर सड़क पर बैठ के काम कराने की आवश्यकता होगी तो सड़क पर बैठ के संघर्ष करेंगे, और वैसे काम की आवश्यकता होगी वैसे करेंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? काम पहले भी हुए थे, पहले तो मुख्यमंत्री से मेरे सीधे झगड़े थे वसुंधरा से, उस समय गहलोत के बेटे को हराने के बाद गहलोत से, तब भी क्यों समय काम रुका नहीं था कभी, और अब भी काम नहीं रुका। आप एक चीज और देख लो, मुझे उद्घाटन का शौक नहीं, काम करने का शौक है। बहुत से सरपंच लंबे टाइम से कह रहे हैं साहब आपने काम कराया उद्घाटन को, मैं कहता हूँ कि काम होना चाहिए, काम होगा तो इलाका आगे बढ़ेगा और उद्घाटन कभी और करते रहेंगे। मैं भी घूम रहा हूँ पूरे राजस्थान में, आप देख रहे हो पार्टी बना के जो संघर्ष किया प्रयास किया। आज मेरी मजबूती में सबसे बड़ा अगर किसी का रोल है तो आप लोगों का रोल है, हर उस व्यक्ति का रोल है जो गांव के अंतिम छोर पर बैठा है, शोषित पीड़ित दलित। और हर जाति ने मुझे वोट दिया, हर जाति ने वोट दिया, तभी तो कई तरह के समीकरण बने हैं। हर चुनाव के अंदर उपचुनाव में पूरी सरकारें थी कांग्रेस की, तब भी आपने जीता दिया। पिछले जो चुनाव थे लोकसभा के अंदर आपने तिरपा मतदान किया, अब की बार भी हर व्यक्ति ने वोट डाला और उसी का परिणाम था कि जीत का अंतर जरूर कम हो लेकिन जीत आपकी झोली के अंदर आई, आपके खाते में आई। दातना पंचायत और बामणियावाड़ा के अंदर मुझे याद है 2005 से 6 से जब मैं एमएलए नहीं बना उससे पहले आपके बीच घूमने लग गया था। 17-18 साल आपके बीच संघर्ष करते हुए हो गए, कोशिश ये करता हूँ हर जगह आपके आऊँ, शादी ब्याह जहाँ भी आवश्यक, लेकिन हर जगह नहीं आ पाता, बिजी ज़्यादा हो गए। लेकिन कोई ना कोई प्रतिनिधि के तौर पर मेरा छोटा भाई आता था, और अब आप लोग ऐसे लगने लगे जैसे एक परिवार है, और परिवार की तरह ही आप लोग रहते हैं। और मेरे साथ आप आते हो तो आपको कभी नहीं लगता होगा हम नेता के पास बैठे, आपको लगता होगा हम हमारे भाई के पास बैठे। ऐसा हर व्यक्ति क्यूंसर का महसूस करता है, हर व्यक्ति नागौर का महसूस करता है। दिल्ली गया, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, नागौर का सम्मान बढ़ाया, मिलिट्री के लिए जो आंदोलन था अग्निपथ का उसका विरोध किया। 5 साल कांग्रेस के कुशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार पेपर लीक की घटनाएं हुई, बजरी माफिया का आतंक था, अगर कोई लड़ा सड़क वो नागौर का सांसद सड़कों पर लड़ता रहा, विधानसभा में लड़ा, दिल्ली में लड़ा और विकास भी कराया, संघर्ष भी किया, विकास कराया। और ये विकास का परिणाम है कि हमारे बच्चे नौकरियों के अंदर धड़ाधड़ आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ तो हम नहीं आ सकते क्योंकि हमें नेताओं ने बहुत धोखा दिया, 60 साल तक पीछे रख दिया, किसी को नागौर नहीं देखने दिया। जयपुर दिल्ली की बात छोड़ो, जब मैं यूनिवर्सिटी में अध्यक्षता पढ़ता था तो हम 60-70 लड़के थे पूरे नागौर जिले के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। अब 3,500-4,000 बच्चे राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, जोधपुर बीकानेर अजमेर अलग से एक अलग जगह। और सबसे बड़ा का आपको लड़ना सिखाया, लड़ना सिखाने का तो ये परिणाम ये हुआ कि एक बार आप पांचोड़ी थाने पर जाकर वहां भी पथराव करके आ गए थे, याद है आप लोगों को? ज्यादा जोश में आएगा। पर मैं फोन करियो, मैं कि बेटे का पापा रुको तो सही, कहीं काम करो, मैं तो आ रही हूँ। बिचे बाटा पहन जाए क्या माऊ रही जो ने जोश गणो आई है, याद है? वो शिवपुरा उस साइड के थे। ये भी नहीं करना अपने को, कानून हाथ में नहीं लेना। और आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, किसी की हिम्मत नहीं कि सरकार का दुरुपयोग करके आपको तंग परेशान कर सके। मैं बैठा हूँ पीछे, आप निश्चिंत रहें, किसी तरह का नहीं सोचना कि सरकार इसकी बन गई उसकी बन गई। किसी की सरकार नहीं है,
सरकार जनता की है, विधायक आपका है, विधायक ताकतवर है। उसके टेलीफोन के आगे कोई मंत्री और मुख्यमंत्री हो उनको काम करना पड़ेगा। वो मैं जानता हूँ काम करना, मेरे पे छोड़ दो सारी बात है। और मुझे इस बात का धन्यवाद हो कि नए नेता की तैयार कर दी मैंने राजस्थान के अंदर। हर इलाके में जाता हूँ नई लीडरशिप तैयार होगी। पहले अपने बेटे पोते भतीजे भांजे भांजे उनको ही लोग राजनीति में लाते थे, आम व्यक्ति हर जाति और विशेषकर इस इलाके के अंदर हमारे मेघवाल समाज, भील समाज, बावरी समाज, दूसरे जो समाज थे जिनको आवश्यकता थी आगे लाने की, उनको भी आगे लाके पानी बिजली स्कूल सड़क और रोजगार के मामले में आगे लाने का प्रयास कर। उसी का परिणाम है कि आपने हनुमान बेनीवाल को कमजोर नहीं पड़ने दिया। दोबारा आपको भी चाहूंगा, खूब लंबी चौड़ी बातें करूंगा। अभी जो जरूरी काम है पंचायत के दातीना के बामनियाला के, वो जो एक बार चाय पिलवा, चाय पीने के बाद एक एक करके कागज मुझे आप दे दें और जो काम हाथों हाथ करने थे चाय में अमल ना क्यों कहीं जो तो ठीक है जो रोडा मल चले तो कोने आपने चलना कोने नशा कर लो लगे छोटा टाबर खराब कोने उन्होंने आपने ठाब बच्चों को नशे से दूर रहना है, ध्यान रखना, क्योंकि अमल डोडला बहुत फिर हैं एरिया में, वो भी ध्यान रखना। कोई बेचते हुए घूमते हैं, कोई बेचाने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा दोनों हाथों का आशीर्वाद दिया और मैं भी आपके लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा। आप चिंता नहीं करें, सब कुछ ठीक होगा, इतना ही विश्वास आपको दे रहा हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अब आपके कागज मंगा लो ना, मेरे पास लिख लिख